देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अनुसार सदस्यता अभियान चलाती है और उसके तहत लक्ष्य भी निर्धारित करती है। भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है। आज उस अभियान की शुरुआत यहाँ जयपुर से हो रही है और हमारे प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी भी उसमें आए हुए हैं। ये संगठन को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। 10 करोड़ का रखा है, एक बड़ा टारगेट होता है, कैसे अचीव करेंगे सर? क्या टारगेट हम बड़ा ही लेकर के चलते हैं और उसको पूरा भी करते हैं भाई साहब, क्योंकि लोकसभा चुनाव में टारगेट बढ़ा लिया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा ना कि इस तरह चीज है। लोकसभा में एक टारगेट था ना, क्या फिर एक बार मोदी सरकार पूरा वाग नहीं हुआ, हुआ ना। अच्छा, 6 उपचुनाव भी है, उसको लेकर वो टारगेट तय किया है? वो अब चर्चा होगी और हम इस 6 चुनाव में उपचुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। वैसे आप कानून मंत्री हैं, क्योंकि SC ST आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद है, कल 21 तारीख को अघोषित रूप से बंद किया आह्वान किया गया है। देखिए, 2-3 चीजें आप एक साथ पूछ रहे हैं। एक तो 2 दिनों से एक लेटरल एंट्री वाला मामला चल रहा है जिसको आप पूछना चाह रहे हो। दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है SC कास्ट को लेकर के सब कैटेगराइजेशन का, 2 ही विषय पूछना चाह रहे हो ना आप, या और भी कुछ पूछना है? तो पहले तो मैं लेटरल एंट्री को थोड़ा आपको बता दूं कि ये नेहरू जी के कालखंड से शुरू हुई थी लेटरल एंट्री, इसको इंदिरा जी ने भी जारी रखा, राजीव गांधी जी ने भी जारी रखा और मनमोहन सिंह जी ने भी जारी रखा। अब लेटरल एंट्री को लेकर के जो ये राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, वो बेबुनियाद आरोप हम पर लगा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनको आपने सीधा ही वित्त सचिव बनाया, लेटरल एंट्री नहीं था क्या? मोंटेंग सिंह आलूवालिया, जिसको आपने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, लेटरल एंट्री नहीं था क्या? विमल जाना लेटरल एंट्री नहीं थे क्या? सैम पित्रोदा लेटरल एंट्री नहीं थे क्या? ये जिसको चाहे उसको बना लेते थे। तो मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है, अगर विषय विशेषज्ञ चाहिए सिस्टम में तो इसका एक सिस्टम होना चाहिए और UPSC एक संस्था है उसको ये काम देना चाहिए। तो इसका प्रेजेंटेशन हुआ नीति आयोग में 2017 में, तब से लेकर इसकी समय समय पर कुछ वैकेंसीज, बहुत बहुत कम वैकेंसीज निकलती रहती है। जो UPSC की जो IAS IPS की वैकेंसी है उससे ये अलग है, कोई रिजर्वेशन पे किसी कोई आंच नहीं है। जो UPSC का IAS IPS या अदर सर्विसेज का रिजर्वेशन जैसा है वैसा है, इसमें भी ओपन फॉर ऑल है और ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है और इसमें अननेसेसरी के राहुल गांधी जी जैसे अग्निवीर पे झूठा आरोप लगाया, जैसे नीट पे झूठा आरोप लगाया, तो हम ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी को और हमारे राजस्थान में तो विशेष रूप से कहावत है कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। एक विषय। दूसरा विषय है आपका, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक विषय चला, वो भी उन्हीं के समय से ही चला है, कोई अभी चला ऐसा नहीं है, पंजाब से चला जब कांग्रेस का शासन था तब वहां से, कि जो मजहबी सिख हैं और वाल्मीकि समाज है अनुसूचित जाति वर्ग में, उनको 50% का रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसा एक कानून बनाया। वो कानून चैलेंज हुआ, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, Article 341 में आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। मामला फिर आंध्रा में गया, आंध्रा से कर्नाटका, ये सब अपोजिशन रूल्स स्टेट से होता होता ही आया है जी, आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा हुआ है, समावेश लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राज्य चाहें तो, ये राज्यों को अधिकार दिया है, पहली बात। तो दूसरा, उसमें एक कंडीशन लगाई है कि राज्य ऐसा करने से पहले क्वांटिफाइबल डेटा
इकट्ठा करेंगे, नंबर एक कंडीशन है। नंबर दो कंडीशन है, किसी भी और जाति को अगर आप सब कैटेगराइज करके रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उस जाति को आप 100% रिजर्वेशन एससी का नहीं दे सकते, ये कंडीशन है। ये तो है निर्णय का पार्ट, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एक अननेसेसरी विपक्ष के लोगों ने, जिसमें खड़गे साहब भी हैं, जिसमें राहुल गांधी जी भी हैं, उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि ऑब्जर्वेशन पार्ट अलग होता है, जिसको हम टिप्पणी कहते हैं, और निर्णय पार्ट अलग होता है जिसमें डायरेक्शन होते हैं। तो क्रीमी लेयर का जो मामला है, दैट इज ए ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन। और सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ द डिसीजन, और उसमें राज्यों को अधिकार दिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, विपक्ष इसमें भी भ्रम फैला रहा है। और मैं अनुसूचित जाति वर्ग से या अनुसूचित जनजाति वर्ग से अपील करता हूं कि विपक्ष के भ्रम में वो नहीं आए। थैंक यू। देखिए, जिस दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हमारे एक छात्र देवराज पर चाकू से हमला हुआ, रक्तस्राव ज्यादा होने के कारण उसकी हालत खराब हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर उसका बेहतर इलाज हो सके इसके लिए जयपुर से भी स्पेशलिस्टों की टीम भेजी और वहाँ डॉक्टरों से स्वयं बात की। मेरी भी जिला प्रशासन और डॉक्टरों से खुद की बात हुई, हमने बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था की, लेकिन दुर्भाग्य से उस बालक को हम नहीं बचा पाए। कानून व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ की स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से है, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई, उनको जो नाबालिग है उसको डिटेन किया गया, बाकी गिरफ्तारी डाली गई। मैं इतना ही कह सकता हूँ, कानून संपत्ति जो भी कानून में प्रावधान है उनके अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक सामने में किस तरह के, क्योंकि विवाद छोटा था बच्चों का विवाद, मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जिस तरह का हमला हुआ वो विचारणीय विषय है। आगे से जो मैकेनिज्म है पूरी चर्चा करके ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। सरकार पूरी तरह से अपराध के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ हम कठोर रवैया अपनाए हुए हैं। आप देख भी रहे होंगे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जो खबरें आती हैं, पुलिस ठोस कार्रवाई करती है और अपराधियों में खौफ और भय भी है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर अलग से एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता निश्चित रूप से है कि भाई स्कूलों में कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हो। और उदयपुर की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि वहाँ शांति बनाए हुए हैं, पूरे हम उस पर पूरे नज़र बनाए हुए पहले ही दिन से हैं। इतना ही विश्वास दिला सकते हैं कि अपराधी कोई भी हो कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी।